हेलो स्टूडेंट, आज हम बात कर रहे हैं काइट विलयन के प्रकार की। तो सबसे पहले बात एक बार और कर लेते हैं, आखिर काइट विलयन क्या होता है, काइट विलयन का मतलब क्या होता है, किसे कहेंगे अपन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। कोई भी पादप का कोई भी भाग पुष्प के जो नर युग्मक और मादा युग्मक के अलावा, यानी पुष्प के अलावा जो भाग होते हैं, किसी भी भाग से यदि एक नए पादप का निर्माण होता है तो उस जन्म को अपन क्या बोलेंगे, काई जनन कहेंगे। तो काई जनन किसका पार्ट है, अलैंगिक जनन का ही पार्ट है, क्योंकि अपने देखा था कि अलैंगिक जनन दो प्रकार का होता है, अनिषेक बीजता और दूसरा काई जनन। तो काई जनन में वह अलैंगिक जनन जिसमें पादप के किसी भी भाग से वो काट कर, चाहे वो तना हो, पत्ती हो, जड़ हो, काट कर एक नए पादप का अपन प्रवर्धन कर सके, डेवलप कर सके, तो यह जनन कहलाएगा, काई जनन कहलाएगा। इसमें नर युग्मक और मादा युग्मक जनन में भाग नहीं लेते, यानी इनमैच्योरिटी वादन या युग्मक संलयन की प्रक्रिया नहीं होती है इसमें काई जनन में। तो ये काई जनन में दो प्रकार का होता है, एक होता है प्राकृतिक काई जनन, प्राकृतिक संबंध आपका जो है प्रकृति संबंध में आ रहा है कि ऐसा काई जनन जो प्रकृति में होता है जिसमें मानव किसी प्रकार से कोई भूमिका नहीं निभाता है, प्रकृति स्वयं ये जनन करती है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, प्राकृतिक काई जनन कहेंगे। तो प्राकृतिक काई जनन में स्वतः प्रकृति जो होते हैं। दूसरा प्रकार है इसका मनुष्य के द्वारा जो होता है कृत्रिम, जिसको बोलेंगे अपन काई जनन, कृत्रिम काई जनन। कृत्रिम का मतलब जो मनुष्य करता है, किसी पादप के प्लांट को काट करके, जो आजकल हाइब्रिड प्लांट प्राप्त हो रहे हैं, एक ही पादप के अंदर अलग अलग रंग के हमको पुष्प प्राप्त हो जाते हैं, प्लांट्स के तो अपन गुणवत्ता को वृद्धि कर देते हैं। तो साइंटिफिक लेबोरेटरीज में जो बायो केमिकल लैब्स है उनमें जो किया जाता है, कौन से प्लांट होते हैं आपके कृत्रिम काई जनन होते हैं, रंगीन रंगीन अलग एक ही पेड़ के ऊपर आप देखो कई प्रकार के कई रंगों के पुष्प उग जाते हैं, तो सब इसके देन है आज कृत्रिम काई जनन की देन है। सबसे पहले बात करते हैं हम प्राकृतिक काई जनन की। तो प्राकृतिक काई जनन में जैसे मान लीजिए कोई तना है, उस तने को काट करके आप रोपित कर देते हैं और उससे नया प्लांट उसका प्राप्त हो जाता है, तो ऐसे जनन क्या हुआ आपका, प्राकृतिक काई जनन होगा। अपन तो किससे हो रहा है, तने से हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, तनों द्वारा काई जनन, तनों द्वारा काई जनन, तनों के द्वारा काई जनन के अंदर से मान लीजिए प्रकंद है, प्रकंद के अंदर आपका आता है जैसे अदरक को आप बोर्ड देखते हो तो बीच बीच में इसके इंटरनोड पाए जाते हैं, क्योंकि वो एक तने का ही भाग है, प्रकंद है। तो प्रकंद अदरक में भी किस प्रकार का जनन होता है, तनों द्वारा ही काई जनन पाया जाता है, कंद है, कंद जैसे आलू क्या है, कंद है, तो एक उपांत्रित तना है, तना द्वारा आप इसके छोटे टुकड़े कर दोगे तो उसमें क्या होगा, उसमें यही प्राकृतिक काई जनन होगा तने के माध्यम से, और आलू का नया प्लांट उनको प्राप्त हो जाएगा। तो इसी प्रकार से घन कंद है, जैसे अरबी, अरबी की सब्जी बनाते हैं तो अरबी एक प्रकार से क्या है, घनकंद है, इसका भाग है, तो घनकंद का एक उदाहरण बताइए तो कौन सा है, अरबी। तो ये सब इन सब में जो जनन होगा वो क्या होगा, तनों के द्वारा होगा, तनों द्वारा काई जनन। ऐसे हम देखेंगे आगे जड़ों द्वारा, जड़ों द्वारा काई जनन। तो जड़ों द्वारा काई जनन का मतलब है
होगा प्राकृतिक आय जनन ही, परंतु किसके माध्यम से होगा? जड़ों के माध्यम से। मान लीजिए कि ये पादप की जड़ है और वो जो जड़ है वो जड़ को अपन काट करके ही रोपित कर दे, और रोपित करने पर एक नया प्लांट हमको ऐसा करने से प्राप्त हो जाए, तो ऐसा जो कायिक जनन है वो क्या कहलाएगा? आपका जड़ों द्वारा कायिक जनन कहलाएगा। अब इनमें कंदीय मूल्य बन जाते हैं, अपस्थानी कलिकाओं के माध्यम से भी इसमें जो है जनन हो जाता है, तो ये सब प्रकार की जनन है वो क्या कहलाएगा? आपका जड़ों द्वारा कायिक जनन कहलाएगा। तो इसमें अपन इस एग्जांपल्स की बात करें तो शकरकंद है, शकरकंद में किसके माध्यम से होता है? जड़ों के माध्यम से होता है, जड़ों द्वारा कायिकरण की प्रक्रिया होती है, तो शकरकंद है। इस प्रकार का एग्जांपल है, जड़ों द्वारा कायिकरण का एग्जांपल है। अब देखते हैं अपने तना देखा, जड़े देखी, अब देखते हैं पत्तियां। पत्तियों द्वारा कायिक जनन, पत्तियों द्वारा कायिक जनन, जो पत्ता छट्टा प्लांट होता है इसको हम ब्रायोफिलम कहते हैं। ब्रायोफिलम का प्लांट होता है, उसकी जो पत्तियां है इस प्रकार से होती है, और इसके ऊपर जो छोटी प्रकलिकाएं उग जाती है, जब ये यहां से टूटकर गिरती है तो गिरने पर जहां वो पत्ती गिरेगी छोटी सी, वहां पर एक नए ब्रायोफिलम के प्लांट का निर्माण हो जाएगा। तो इस प्रकार का जो जनन है वो क्या कहलाता है? आपका पत्ते द्वारा कायिक जनन कहलाता है। तो इस प्रकार देखा ना कि पत्ते द्वारा क्या होता है? कायिक जनन होता है। तो इसको अपन क्या बोलेंगे? अब स्थानीय कलिका, क्योंकि जो अपस्थानी कलिका है यह अपस्थानी कलिका है, जब टूट कर नीचे गिरती है उनको मृदा के माध्यम से जल और पोषक तत्व प्राप्त होते हैं, उनको पोषण प्राप्त होता है, तो अपस्थानी कलिकाएं ही धीरे धीरे संपूर्ण पादप का निर्माण कर लेते हैं, क्योंकि इसमें पत्ते के माध्यम से होता है, इसलिए हम क्या बोलेंगे? पत्ते द्वारा कायिक परिवर्तन कहेंगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन जननांगों द्वारा, और टाइप जननांगों द्वारा कायिक जनन। अब जननांग भाग कौन सा होता है पादप का? तो जननांग भाग क्या है? उसका पुष्प है, परंतु अपन पुष्प के नलिकमुख और मादिकमुख नहीं ले सकते हैं, क्योंकि यदि नलिकमुख और मादिकमुख लेंगे तो वो जनन कौन हो जाएगा? लैंगिक जनन हो जाएगा। परंतु जननांगों के आसपास में छोटी छोटी पत्तिकाओं, पत्तियों के रूप में छोटी छोटी संरचना पाई जाती है, संरचनाएं पाई जाती है, जिनको अपन क्या बोलते हैं? परपत्र पल्लिका। तो वो जो है जब टूटती है तो टूटने पर एक नया प्रकार का प्लांट का निर्माण करती है। तो पत्र कलिका ये पत्ती है, अब इस पत्ती के पास में छोटी सी पत्ती का निर्माण हो जाता है, इसको पत्र पर कलिका कहते हैं, पर पत्र कलिका कहते हैं, और जब ये डेवलप होती है तो ये टूटने पर एक नया प्लांट बनता है, और नया प्लांट बनने की जो घटना है इसको क्या बोलते हैं? जननांगों द्वारा कायिक जनन है। तो इस प्रकार का जनन हुआ और क्या कहलाता है? जननांगों द्वारा कायिक जनन कहलाता है। तो इस प्रकार का आज आपको मिलेगा कि किस प्रकार से प्राकृतिक कायिक जनन होता है। सबसे पहले तनु के द्वारा, तनु के द्वारा कायिक जनन में प्रकंद है, सदृक है, कंद है जैसे आलू है, घनकंद है जैसे अरबी है, ये जो है इनको एक तनु के काट पर रोपित कर दिया जाए तो धीरे धीरे इनके प्लांट का निर्माण कर देते हैं,
जड़ों द्वारा काई घनन है, किसी प्लांट की जड़ों का आटन पोषित करते तो उससे नया प्लांट बनने की संगठन है। पत्तियों द्वारा काई घनन है तो पत्तियों के अंदर ब्रायोफिल्म को अपन ने लिया है, ब्रायोफिल्म की जो पादप है वो छोटी-छोटी कलिकाएं पाई जाती है जो टूट कर नीचे गिरती है तो गिरने पर नए प्लांट का निर्माण करती है। एजेंडामों द्वारा काई घनन है तो पत्तियों के पास में पुष्पों के पास में छोटी-छोटी कलिकाएं पाई जाती है उससे भी जनन हो तो उत्पन्न एजेंडामों द्वारा काई घनन